हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल दाल बुखारा की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसको बनाने के लिए मैंने ली है एक कटोरी काली साबुत उड़द की दाल। इसको हम 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे और 5 से 6 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। हमारी दाल को भीगते हुए 5 से 6 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसको कुकर में डालेंगे और 3 कटोरी पानी और 1/2 चम्मच नमक डालकर 5 से 6 सीटी आने तक पकाएंगे। हमारी दाल अच्छे से गल गई है। अब हम एक करछी की मदद से इसको दबा दबा कर मैश कर लेंगे ताकि हमारी दाल गाढ़ी हो जाए। इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी ही अच्छी लगती है। अब हम एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच देसी घी गरम करेंगे। उसमें हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच जीरा और इसको अच्छे से भून लेंगे। जब हमारा ज़ीरा अच्छे से भुन जाएगा तब हम इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसको हमें 1 मिनट तक अच्छे से भूनना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज के टमाटर की प्यूरी। इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। इस मसाले को हम घी छोड़ने तक अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ी कसूरी मेथी भी ऐड की है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जब सारा मसाला अच्छे से पक जाए और घी छोड़ दे तब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी बॉइल्ड की हुई दाल। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही 1/2 कप पानी और ऐड करके इसको 1/2 घंटे तक बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे। गैस को हम स्लो ही रखेंगे। हमारी दाल को पकते हुए 1/2 घंटा हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच फ्रेश मलाई। आप चाहें तो इसमें फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम 2 मिनट तक और पकाएंगे।
लीजिए, हमारी दाल बुखारा तैयार है। यह बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट देगी। आप इसे किसी भी खास मौके पर ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।